मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। गाइस बहुत मिस करूंगी दार्जिलिंग को, ऐसा यस इस मिरर को ज्यादा मिस करूंगी। तो चलिए ना बकवास ना करते हुए आज के ट्रैवलिंग ब्लॉग को शुरू करते हैं। गाइस हम ऑल सेट है, हम सब ने एक्चुअली नया नया स्वेटर पहना हुआ है। तुम्हें न तो लो ना, तुम्हें टोपी नहीं ले, टोपी माथा लगा जन ना गो ओखान थे मॉल मार्केट थे बोलो ने। हमने जितने लोगों ने शॉपिंग करी थी यहाँ दार्जिलिंग से हम सारे पहन के ही जा रहे हैं, मतलब इतने एक्साइटेड। गाइस स्वेटर कैसा लग रहा है दीदी का है? मैं पहन रही हूँ क्योंकि मेरा जैकेट बहुत मोटा है और वो बैग में है। यही तो सो सारे लोग दीदी भी अपना स्वेटर पहन रही है, बाबू ने ये लिया ये पहन रही है दीदी का स्वेटर। कैसे मिरर कितना अच्छा, मैं अपने घर पे भी लगवाऊंगी ऐसा वाला सुन ये गाना था। गाइस जींस खरीदने का फायदा इतना कंफर्टेबल है कि मैं क्या। बाय बाय दार्जिलिंग, बाय बाय दार्जिलिंग। जा लगे हर 250 लगे है ना। गाइस आप लोग दार्जिलिंग व्लॉग्स को मिस करोगे मेरे को पता है, पर क्या करें घर तो जाना पड़ेगा। हम इस कमरे को लास्ट टाइम बाय बोलेंगे, बाय। अभी हम सब पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और अभी हम लोग खाने के लिए जाएंगे, जाने वाले थे पर इतने सारे होटल वाले सारे इधर आओ, यहाँ पे ये मिल रहा वो मिल रहा, मतलब इतना ज़्यादा ये था ना, इसलिए मैं सोची थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। फिर हम लोग अन्नपूर्णा में गए और हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया जैसे कि आप सब देख सकते हैं और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। भाला से मीठा से तो भाई आधा किलो दे दीजिए यार, एक किलो दीजिए। नहीं नहीं आधा किलो जी। गाइस अभी एक लोचा होते होते रह गया, मतलब हमारी दूसरी ट्रेन एक थी हम उस पर बैठ रहे थे तो पर वो हमारी ट्रेन थी ही नहीं। अभी हम आ रहे हैं पता नहीं कॉम्बो बोती कैसा कुछ ट्रेन का नाम है, हम उसमें जाएंगे और पीछे आप देख सकते हैं ये हमारा रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, तो हम इस पर ही इस यहाँ से ही हम चढ़ के जाने वाले हैं। तो वेट करते हैं अभी, हड़बड़ाते नहीं है, मेरे बालों की हालत आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम सब पहुँच चुके हैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं सोने चली और यहाँ पे मैं सो के उठ भी गई हूँ। और अभी दीदी लोग उतरने वाली है मतलब झाड़ग्राम स्टेशन में और मैं उसी ट्रेन में रहूँगी और मैं डायरेक्ट हमारे जो मेरा जो रेलवे स्टेशन है वो गोविंदपुर है, मैं वहाँ पर उतरूँगी। तो दीदी लोग अभी वो लोग पहुँचने ही वाली है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और लास्ट वीडियो टाटा बाय। ठीक है हम चली ना, ठीक है हम फोन करो टाटा रिमी चिमी टाटा। ठीक है फोन करें। सो गाइस अभी मैं यहाँ से अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, दीदी लोग उतर गई हैं और वो लोग शायद पहुँचती होंगी क्योंकि मेरा तो बहुत टाइम लगने वाला है और गाइस अभी पापा आने वाले हैं लेने के लिए, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ। और फाइनली अभी मैं पहुँचने वाली हूँ घर। इतने दिनों घर से बाहर रह के मतलब जो भी हो अपना घर तो अपना घर ही होता है, चाहे जितनी भी अच्छी जगह घूम लो अपने घर से अच्छा कुछ भी नहीं। जो नींद अपने घर पे आती है, जो अपने बेड पे आती है, भले वो जैसा भी हो वहाँ पे चादर बिछा हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अपने घर पे जो नींद होती है ना वो तो बात ही कुछ और है, मतलब नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल।
और अभी हम लोग ये कालूडी घाटोर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो हम लोग ये क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद सीधा मैं पहुंचने वाली हूँ अपने घर को। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा। बाबा आने वाले लेने के लिए, इतने टाइम बाद बाबा को देखूंगी तो इसीलिए और भी ज़्यादा खुश हूँ। चलो नहीं चलो, तू यहाँ के लिए प्यास जी है बोल। चलो बैग धरो, मिली प्यास चलो बैग धरते हो।